एक है प्रेम और दूसरा है ध्यान। यदि इन दोनों बातों को समझ करके जीवन में जी लें तो काम पूरा है। प्रेम और ध्यान, यदि हम इसको सही ढंग से समझ लें तो कहने के लिए दो शब्द हैं, प्रेम और ध्यान कहने के लिए दो शब्द हैं, काम वही है। हमारी जो चित्त की दशा है ना, मन की, वही महत्वपूर्ण है। हमारे पास क्या है, कितने बड़े पद पे हैं, इसका मूल्य नहीं है, और है भी तो बहुत कम। मूल्य है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारी जो चित्त की दशा है वह कैसी है, कहाँ रहते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महसूस कैसे करते हैं, हमारी फीलिंग्स क्या है, जैसे हम लोगों के आश्रम को देखे और कोई कहे इतना बड़ा आश्रम, कई लोगों के बड़े भवन को देखकर कह सकते हैं कि भाई इतना बड़ा भवन, इतनी बड़ी बिल्डिंग, लेकिन बड़े आश्रम बड़े भवन में रह करके मैं भीतर से अशांत हूँ, पीड़ित हूँ, दुखी हूँ, मन में नफरत और घृणा है, द्वेष है, तो बड़ा मकान क्या करेगा, गाड़ियां क्या करेंगी। चित्त की दशा, इसको संभालना जरूरी है। देखिए, आत्मा के विषय में बातें चलती है कि आत्मा ज्ञान करो, आत्मा को जानो, लेकिन उसके पहले थोड़ा से ध्यान दें इस चीज को। जैसे एक भवन होता है ना, एक मकान हो जिसके तीन तल हो, मकान के तीन तल, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला तल आप शरीर को माने, दूसरा तल मन को, और तीसरा तल अंतिम, वो आत्मा। जब अंतिम में जाना होगा तो क्रम से ही तो जाएंगे आप, सीधे तो नहीं जा सकते हैं, क्रम क्रम जाएंगे। साधना होती कहाँ है, क्या शरीर से साधना होती है या आत्मा से साधना होती है। यदि हमें कुछ परिवर्तन करना है, कुछ काम करना है, कल्याण का काम करना है, आत्मा से करेंगे कल्याण। आत्मा का क्या कल्याण करेंगे आप, आत्मा का कोई कल्याण नहीं कर सकते, सच पूछो तो क्यों नहीं कर सकते। अशुद्ध को ही शुद्ध किया जा सकता है, बंधन को ही मुक्त किया जा सकता है, विकार को ही निर्विकार किया जा सकता है। आत्मा तो शुद्ध है, निर्बंध है, वो मुक्त है, उसको कैसे करोगे। आपका ज्ञान, ज्ञान के माध्यम से क्या आत्मा में कोई परिवर्तन किया जा सकता है। एक पंक्ति सुने होंगे ना, ज्ञान गुरु मन चेला। ज्ञान क्या है, ज्ञान गुरु है, अर्थात जो ज्ञान आए वो गुरु समझो। ग्रहण कौन करेगा, चेला, मन, मन चेला। शरीर ज्ञान ग्रहण नहीं करेगा, आप ध्यान दीजिए, शरीर ज्ञान ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ ऐसी कुछ क्षमता नहीं है कि शरीर ज्ञान ग्रहण करे। आत्मा में ज्ञान की बातें नहीं कि वहाँ कुछ चीज प्रवेश करे, मन है। और इसलिए यदि परिवर्तन होगा ज्ञान के माध्यम से तो आत्मा में नहीं होगा, क्योंकि वह अपरिवर्तन सत्ता, अपरिवर्तित सत्ता है, उसमें कोई बदलाव नहीं, वो न जन्मा है न मरने वाला है, एक रस। तो क्या हमारे ज्ञान हो जाने से क्या हम उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हाँ, ज्ञान चाहिए, उसका बोध चाहिए, लेकिन ज्ञान जो मिल रहा है उसके माध्यम से उसे परिवर्तन है। दूसरा है शरीर, शरीर में क्या बदलाव करेंगे आप। शरीर में तो प्रकृति बदलाव कर रही है, चाहे जितना प्रयास करो
शरीर के परिवर्तन को ज्ञान के माध्यम से रोक नहीं सकते। चाहे जितना भस्म खाओ, जितनी दवाइयां कर लो, जितना योगा प्राणायाम कर लो, जितना संयम कर लो, शरीर के परिवर्तन को रोक नहीं सकते। सद्गुरु कबीर ने कहा है, कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी, करोड़ों यतन कर लो अंत में शरीर को धूल होना है, हमारे चाहने से नहीं होने वाला है। तो शरीर में भी कोई हमारे ज्ञान के माध्यम से हम उसको थमा नहीं सकते परिवर्तन, हाँ संयम करके इसको स्वस्थ बनाए रख सकते, लेकिन संयम भी कहाँ से होगा, मन के आधार पर होगा। अभी सुन रहे थे ना, इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियां अपने आप में कुछ नहीं है, सच कहो तो वो तो केवल गली है। कबीर साहब ने खक्खा खोरी जो शब्द कहा है ना, वाक्य कहा है, वो गली है, बस गली। गली दोषी नहीं है, आने जाने वाले, आने जाने वाले, ये महत्वपूर्ण है। और सारा काम भीतर मन से, वही चुनाव होता है। इसलिए ज्ञान का संबंध मन से है, और इसीलिए मन में परिवर्तन करके आप उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जो आप चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आत्मा शुद्ध है, लेकिन क्या चित्त भी शुद्ध है? चित्त तो शुद्ध नहीं है। ये योग दर्शन में एक छोटा सा सूत्र, सभी सूत्र तो छोटे छोटे हैं, लेकिन ये सूत्र बहुत छोटा है। बात आई है कि सत्व शुद्धयो सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम। सत्व कहते हैं अंतकरण को, पुरुष जिसे हम लोग जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, योग दर्शन और सांख्य में उसको पुरुष, उपनिषद में भी पुरुष कहा गया है। तो जैसा पुरुष शुद्ध है, वैसा ही जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब कैवल्य होता है। अर्थात शुद्ध किसको करना है? चित्त को। और इसी के लिए मैं कह रहा था, दो बातों का ध्यान रखना होगा, एक है प्रेम और दूसरा है, दूसरी बात है ध्यान। और मैंने कहा ना, ये दोनों कहने के फिर अलग अलग हैं, है वही चीज। मैंने कहा ना, चित्त की दशा, एक ऐसी दशा जब वो बाहर निकलती है पवित्रता के बाद, वो प्रेम हो जाता है। अर्थात प्रेम किसके लिए? दूसरों के लिए। ध्यान किसके लिए? अपने लिए। प्रेम किसके लिए? दूसरों के लिए। जब आप दूसरों से संबंध स्थापित करते हैं, अर्थात आप भीतर से जब बाहर आते हैं, तो क्या करना है? प्रेम पूर्ण। लेकिन वही प्रेम जब भीतर आता है उसी रास्ते से, वो ध्यान कहलाता है। अर्थात एक ऐसा अवयव, एक ऐसी दशा चित्त की जो जब बाहर निकले प्रेम कहलाता है, और अंदर आए तो ध्यान कहलाता है, और कुछ नहीं है। और एक ने पूछा था एक बार कि ध्यान और ज्ञान में क्या अंतर है? जैसे यहाँ पर प्रवचन होते हैं, हो रहे हैं, या हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो क्या है? ज्ञान है। ज्ञान और ध्यान में क्या अंतर है? जैसे बर्फ और पानी, आप ध्यान दीजिए, बर्फ क्या है? पानी ही तो है। बर्फ क्या है? पानी ही तो है, लेकिन वो बहता नहीं है। पानी में प्रवाह है, बर्फ में प्रवाह नहीं है। ऐसे ही है, ज्ञान में प्रवाह है, ज्ञान में प्रवाह है, लेकिन ध्यान में शांत स्थिरता। वही पानी, वही ज्ञान जब शांत हो गया, स्थिर हो गया, वो ध्यान कहलाया। तो प्रेम का मतलब, प्रेम जब दूसरों से जुड़े तो हमारा चित्त की दशा कैसी, कैसा होना चाहिए? प्रेम पूर्ण होना चाहिए। और जब प्रेम होता है ना सही ढंग से, तो संबंध सबके मधुर होते हैं। प्रेम कहते किसे हैं? बहुत थोड़ी चर्चा करूंगा, बहुत ही थोड़ी। प्रेम कहते किसे हैं? वैसे तो शब्दों में तो बहुत बोलते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ये करता हूँ। किसे कहते हैं प्रेम? बहुत छोटा सा सूत्र है प्रेम का, उसका परिभाषा दी कहूँ तो, दूसरों के हित की चिंता, ये याद रखना, दूसरों के हित की चिंता। जब आपके मन में दूसरों का ख्याल आए और उनके लिए हित भाव जगे, दो भाव, एक अहित का भाव जग सकता है, दूसरा हित का भाव जग सकता है। इसको थोड़ा और डिफाइन करना चाहूँगा। जैसे पति,
पति के मन में ये सोचे कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मैं अपनी पत्नी को अधिक से अधिक आराम दे सकूं, अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं। और यही बात पत्नी सोचती है, मैं ऐसा कौन सा व्यवहार करूं, ऐसा कौन सा प्रयास करूं जिससे मैं अपने पति को अधिक से अधिक आराम दे सकूं, अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं। ये क्या है? दूसरे के हित की चिंता। पत्नी चिंता कर रही है पति के हित की, और पति चिंता कर रहा है पत्नी की। यही संबंध, यही बात क्या होगी, चाहे वो पिता पुत्र हो, भाई भाई हो, सास बहू हो, कोई भी संबंध में लगा लो, किसी भी संबंध में दूसरे के हित की चिंता पर। और यही चित्त की दशा जब उल्टा हो गया तो अहित का चिंतन। हम लोग कभी अपने मन को झांके हैं, आप देख रहे ना मन में कैसा होता है, जब जब दूसरे के अहित की चिंता करते, अहित के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या कब होता है, ये जब नफरत है, द्वेष है, घृणा है, बदले का भाव है, उस समय आप शांत नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। इसलिए आवश्यक है उस प्रेम की अवस्था में आना, मतलब चित्त को ऐसा बनाना कि कौन पर आया है। कबीर साहब जी की पंक्ति है, घाव काही पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। हम लोग आत्मा की चर्चा तो बहुत करते हैं और ये भी कहते हैं कि घट घट में है, लेकिन जब व्यवहार आता है तो नहीं मानते वो घट में उसकी आत्मा है। हम उन्हें दुश्मन के रूप में मानते हैं, विरोधी के रूप में मानते हैं। और जब भी हम किसी को विरोधी और दुश्मन मानेंगे उस समय हमारी चित्त की दशा बिल्कुल अलग होगी और वो हमें शांत नहीं रहने देने वाला है। इसलिए आपको ये सोचना है कि क्या मेरे मन में इस प्रकार के भाव जगते हैं कि मैं दूसरे के हित के बारे में सोच रहा हूँ। न दूसरे को सोचो, अपने से शुरू करो, अपने करीब वालों से तो शुरू करो, फिर बाद में कहना वसुधैव कुटुम्बकम, ये बात की चर्चा है। या पहली चर्चा किसकी हो, जो मेरे आसपास हैं, सराउंडिंग, जिस आसपास में आप रहते हैं जीते हैं उसका। फिर ये होगा कि वो कैसे हो, अच्छा प्रेम आता कहाँ से है, प्रश्न ये भी हुआ, आता कहाँ से है, कहीं से आप खरीद के लाएंगे उसको, कहीं पैदा करेंगे। सद्गुरु ने ये पंक्ति कही है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जही रुचे, शीश दिए ले जाए। ये बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। अच्छा प्रेम करे कैसे, ये भी कहा जाता है ना, अच्छा प्रेम चाहिए तो प्रेम करो, सम्मान चाहिए सम्मान करो, जो चाहिए वो करो दूसरों को। लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप वही चीज दूसरों को दे सकते हैं जो आपके पास है। आपके पास पैसे होंगे तब तो किसी को पैसे दे सकते हैं, उसी में से चलो आपके पास 1,000 रुपये, 10 रुपये दे दिए, अच्छा ना होता तो जब पैसे नहीं हैं तो कहाँ से देंगे, तो क्या करना होगा, पैसा कमाना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले आपको प्रेम की कमाई करनी पड़ेगी तब आप दूसरे को दे सकते हैं। कमाई कैसे करेंगे, ये महत्वपूर्ण है, कमाई कैसे करेंगे। और इसी के लिए आपको जीवन में अकेले होने की जरूरत होती है। भीड़ में कमाई नहीं होगी, ये ध्यान दीजिए, कभी भी भीड़ को आप देखेंगे ना, भीड़ की दशा क्या होती है, वो युद्ध कर सकती है, हिंसा कर सकती, खून बहा सकती, आग लगा सकती है, लेकिन सत्य का उद्घाटन नहीं कर सकती है। कहीं भी कुछ सत्य का अनुभव किया है, शिव के दर्शन हुए हैं, कहीं सुंदर के दर्शन हुए हैं, तो अकेले में। इसीलिए कहते हैं एकांत। गुरुदेव जी हर प्राय कहा करते थे, कुछ समय अपने लिए निकालो, निजी जीवन। परिवार के लिए निकालते हैं, अच्छी बात है, व्यवसाय के लिए निकालते ही हैं, फिर परिवार के साथ भी बैठते उठते हैं, महत्वपूर्ण क्या है, खुद के लिए। क्यों खुद के लिए निकालना, क्योंकि आप ही हैं जो परिवार से मिलते हैं, आप ही हैं जो व्यवसाय में जाते हैं, और आप कैसे हैं ये महत्वपूर्ण है। यदि आपके भीतर अशांति है, आपके भीतर क्रोध और नफरत है, तो दूसरों से मिलेंगे तो आपके द्वारा क्या निकलेगा, हर आदमी एक रेडिएशन क्रिएट करता है, रेडिएटर। इसको मैं इस ढंग से समझाता हूँ, प्रायः मोबाइल आप सबके पास है, मोबाइल से किसी का नंबर डायल करते हैं, बिल्कुल सरल भाषा है। जब डायल करते हैं जिसका नंबर, तो उसका मोबाइल बजने लगता है,
घंटी बजती है और आप भी सुनते उस घंटी को। अच्छा, तो आपके मोबाइल से उस मोबाइल तक क्या गया? आज तो सब समझ रहे हैं ना, आपके मोबाइल से उस मोबाइल तक क्या गया? कुछ तार खींचा है? नहीं, कुछ तो गया जो बजा रहा है उसी मोबाइल को। उसी को कहते तरंगे, वाइब्रेशन, वेव, वेव निकलता है उससे। ऐसे ही हम सबके भीतर से तरंगे निकलती हैं और उससे हम सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सामने वाला हमें, हमें, हम आप, आपको। वो कैसे होते, वो किसके आधार पर निकलते हैं? हमारे विचारों के आधार पर निकलते हैं और हमारे भावनाओं के आधार पर। यदि भावना विकृत है, यदि विचार विकृत है, तो विकृत तरंगे निकलेगी। विकृत तरंगे, कोई आदमी क्रोध में बैठा हो, एकदम क्रोधाभिभूत हो, कौन सी तरंगे निकलेगी? देख के भी जान जाएंगे आप, तो वैसे देख के भी जान जाएंगे, लेकिन इतना खुश और प्रसन्न है, सब के प्रति हित का भाव जग रहा है। इसीलिए तो कहते ना, किसी संत के पास जा करके, केवल जाके बैठे और शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि वहाँ का जो अरोमंडल, ओरामंडल है ना, वहाँ का जो वाइब्रेशन है ना, किसी आश्रम में, किसी तपस्थली में कोई संत कर रहा हो, नदी जाते हैं, वहाँ का वाइब्रेशन ही अलग होता है। लेकिन जहाँ हमेशा मार धाड़ लड़ाई और बहुत सारी बातें इस प्रकार होती हैं, आप इसी से अनुभव कर सकेंगे। कुछ लोगों के पास जब आप जाके बैठते हैं, बहुत थोड़े समय में उनके भीतर से क्या निकलने लगता है? जो भरा है, जो रहे करवा सो निकले, वही निकलने लग जाता है। कंप्लेन, शिकायत, उनके लिए, उनके लिए, क्योंकि वही है। लेकिन जिसके भीतर में पवित्रता और निर्मलता है, साधना की बातें हैं, वो उसके बारे में बोलेगा। मैं ये कह रहा था कि आपको प्रेम की कमाई करनी है तो क्या करना है? अकेले में बैठ करके, अकेले बैठो सुबह, कम से कम सुबह जैसे नींद खुले, या फिर रात में सही, जब भी अकेले में हो और अकेले बैठ करके मन में भीतर से कल्पना करो, मेरे भीतर से एक तरंग निकल रही है, जैसे धुआं निकलता है ना आग जलाने पर, उसको कल्पना करिए। प्रयोग की चीज़ें, देखिए हम सुनते रहते हैं, कभी जीवन में अप्लाई ही नहीं करते। और बहुत छोटी बात मैं बता रहा हूँ जो आप कर सकते हैं, जैसे ऊपर बैठे और अंदर से कहने लग गए, मेरे भीतर से प्रेम की तरंगे निकल रही और फैल रही हैं। कल्पना केवल मन में सोचना है, फैल रही हैं, फैल रही हैं, आसपास में जो घर में सोए हुए सबको प्रेम, 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 मैत्री, मैत्री, फिर और विस्तार, ऐसा उसको कल्पना से फैलाते चले जाइए, फैलाते चले जाइए। और मन में सोच रहे हैं सबके प्रति प्रेम और मैत्री, सबका मंगल हो, सबका, ऐसा सोच रहे हैं। केवल भावना भी अच्छी है और विचार भी अंदर जो सर रहे हैं, अब वो तरंगे उस प्रकार से निकल रही है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वे तरंगे, उन तरंगों से सामने वाला कितना प्रभावित होता है, ये सेकेंडरी है। आपकी दशा क्या होगी, आप प्रभावित होंगे, महत्वपूर्ण आप है ना, महत्वपूर्ण आप है। और लेकिन जब वो फ्रिक्वेंसी में हो जाएगा ना सामने वाला, तो वो भी प्रभावित होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ इस चीज़ को, हम लोग जहाँ बैठे हैं ना अभी, वहाँ चारों तरफ टीवी की तरंगे हैं और विभिन्न चैनलों की है कि नहीं है, रेडियो की तरंगे हैं, बहुत सारी रेडियो की तरंगे हैं यहाँ पर, और वो तरंगों को हम पकड़ नहीं पाते। लेकिन कब पकड़ पाएंगे? जब आप मोबाइल खोलेंगे, जब आप टीवी खोलेंगे। अच्छा, क्यों पकड़ पा रहे हैं? क्योंकि आप उस फ्रिक्वेंसी में आ गए, जैसे खोले चैनल, फ्रीक्वेंसी में आ गए और जो कुछ है तरंगे उसको पकड़ लिए। ऐसे ही जब आप यहाँ से तरंगे भेज रहे हैं और सामने वाला भी उस फ्रीक्वेंसी में, उसके मन में भी वैसा है, तो तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। यदि वो दूसरे भाव में है, या वो ध्यान ही नहीं दिया, या उसके मन में नफरत और घृणा है, तो वहाँ से टकरा करके वापस कुछ तो प्रभावित करेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ नहीं होती है। तो सामने वाले को कितना लाभ होगा आपके तरंगों से, आपके प्रेम भाव से, ये सेकेंडरी है। असली चीज़ क्या है? आप। मैं क्यों कह रहा हूँ इस चीज़ को, आप भीतर में भावना में रखें प्रेम और मैत्री का भाव, आपको लाभ होगा। लेकिन इसके बदले में आपके मन में हुआ, उसके नुकसान के लिए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसका वो हो जाए, उसके घर आग लग जाए, उसका वो मृत्यु हो जाए, उनका खटिया रहेंगे, क्या क्या कहते हैं ना, वो सब कह रहे हैं भीतर भीतर में कह रहे हैं। अब बताइए उस दशा को देखिए, वो दशा बिल्कुल अलग है ना। उस समय आप, जिस समय ये नकारात्मक भावना होती है, आप जलते हैं, खुश नहीं रहते हैं। मैं इसके लिए एक उदाहरण दिया करता हूँ। इतना बड़ा बर्तन घरों में होगा, इतना बड़ा बर्तन रहता ही है, उसमें पहले नुकसान किसका होता है? उसमें आप कोयले का जलता हुआ अंगारा,
उस बर्तन को भर दिए, तो पहली आंच किसको लगेगी, पहला नुकसान किसको होगा, उसी बर्तन को, सही है ना। अच्छा एक दूसरा काम करिए, उस आग को फेंक दीजिए। क्या करना है, फ्रिज से बर्फ के टुकड़े निकाल लिए और पूरे बर्तन को बर्फ से भर दिए। अब शीतलता पहले किसको मिलेगी, खुद को, वो उस बर्तन को, और उसके बाद में आसपास फैलेगी। पहले लाभ किसका हुआ, पहला नुकसान किसका हुआ, बर्तन को, सही है ना। बस हमारे भीतर आग है या हमारे भीतर बर्फ है, हम भीतर से शीतल हैं या भीतर से अशांत हैं, आप प्रभावित करते हैं इस हिसाब से। प्रेम को पैदा करना है। दूसरा है ध्यान, समय पूरा हो, ध्यान, ध्यान का मतलब वही है। देखिए ध्यान सबको जरूरी है, ध्यान में मतलब कुछ नहीं करना, मैंने प्रेम दूसरों के लिए कहा ना, ध्यान कुछ किसी के लिए नहीं। और जब ये चित्त की दशा होती है, जब किसी के प्रति न द्वेष है, न नफरत है, न राग है, कोई नहीं है, और जब आप भीतर जब प्रवेश करते हैं ना, तो चित्त आपका शांत बहुत जल्दी होगा। आप अनुभव करके देखिए इस चीज़ को, आपको लगेगा जैसे बैठे शांत। अच्छा विचार आए भी तो हित का भाव जगा उनके प्रति, प्रेम का भाव जगा उसके प्रति, मैत्री का भाव जगा, भले के लिए सोचे, शांत रहे आप, भीतर से कम उद्वेगित नहीं रहेंगे। इसलिए ध्यान ये बहुत जरूरी है। अब ये तो बहुत विस्तार की बात होगी, ध्यान क्या है, कैसे है, ध्यानम निर्विषयम मना, इस सब चीज़ को मैं विस्तार नहीं करूँगा, बस इसको याद रखें, ध्यान के विषय में अधिक से अधिक समझना है तो ध्यान शिविरों में जाएं, गुरुदेव जी के लिए की पुस्तक पढ़ें, वो सारी बातें समझ में आई। और कभी कभी शिविरों में हम इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं कि ध्यान कैसे है, कैसे करना चाहिए, कैसे उस दशा में पहुँचें। ये जब करते हैं ना, तो हमारे चित्त की दशा शांत होने लगती है, जीवन जीने का आनंद तभी आएगा कि आप सबके साथ में प्रेम पूर्ण रहते हैं, और जब अकेले होते हैं तो आप शांत रहते हैं। हम सभी यही चाहते हैं, संबंध कैसे हो, मधुर हो, अकेले में रहें तब कैसे रहें, शांत रहें, यही तो चाहते हैं। तो दो ही काम करना होगा, प्रेम और ध्यान। इस विषय पर जितना आप चर्चा करें, जितना सोचेंगे, उतनी समझ बढ़ती चली जाएगी। ये तो सूत्र मैंने कहे, समय मेरा पूरा हो चुका है। आप सबको धन्यवाद, साहेब बंदगी।